हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्डर्स इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद एक साल लगभग आप कोई भी जो भी नया कोर्स होता है उसे आप सीखते हैं। कोर्स जैसे कि मान लीजिए आपके बहुत सारे होते हैं, आप स्किल सीखते हैं, अपनी स्किल जिसमें इंपॉर्टेंट है। मैं आज आप लोगों के लिए बात करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट है या फिर जो फ्रेशर है। आपकी जब इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है तो आप फिर एक साल एडमिशन लेते हैं, फिर से कोर्स सीखते हैं किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आप इंटरव्यू डायरेक्ट फेस नहीं कर पाते, और अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट इंटरव्यू फेस कर भी लेते हैं तब भी आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसके कारण है स्किल्स। अगर मान लीजिए आप अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, खैर छोड़ दीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में समय चला जाता है। सेकेंड ईयर से मैं बात करूँ तो आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप अगर अपने स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो आप सेकंड ईयर से अगर जैसे स्टार्ट करते हैं तो थर्ड ईयर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप निकलेंगे अपने कॉलेज से, एकेडमिक्स में जैसे आप हो तब तक तो आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जैसे आप निकलते हैं कॉलेज से तो आप किसी भी इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं और आप वहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कंपैरिजन करूं कि एक ऐसे स्टूडेंट जिनने अपना 4 साल तक एकेडमिक कंप्लीट किया, और आपने भी एकेडमिक कंप्लीट किया लेकिन आपने सेकंड ईयर से स्टूडेंट से आप सेकंड ईयर से आपने जो एक्स्ट्रा स्किल्स होती है इसको भी ज्वाइन कर लिए साथ ही, और लगभग थर्ड ईयर तक आपका ये कंप्लीट हो गया, फिर आप लगभग एक साल आपको और मिलेगा जिसमें आप परफेक्ट हो सकते हैं और अच्छे से स्टडी करके उस पर आप परफेक्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन के बाद दोनों स्टूडेंट्स में अगर मान लीजिए दोनों इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आपने सेकंड ईयर से ज्वाइन किए तो आप उस इंटरव्यू में क्रैक कर जाएंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक साल बाद यानी कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद फिर से ज्वाइन किए तो वो एक साल बाद आपके लेवल पर आएंगे। तो इसके कारण आपको स्किल सीख लेना चाहिए, और आप किस तरह से स्किल्स सीख सकते हैं, कौन कौन सी स्किल्स सीख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और आप कैसे बेहतर तरीके से इस चीज़ को सीख लेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं हम। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है एक फ्रेशर्स इंजीनियर में, या फिर आप स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के तो आपको करियर में ग्रोथ देगी, तो वो चीज़ें आप समझ लीजिए। और एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैं वो भी आपको बताऊंगा बिल्कुल एक मिनिमम चार्ज के साथ। पहले ये चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहले तो ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। ड्राइंग रीडिंग में क्या होगा, आपका फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, ये सारी जो ड्राइंग्स होती है ये हमें रीड करते हुए आना चाहिए। कि हम जब भी मान लीजिए अगर किसी भी जगह पर गए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ड्राइंग देकर अगर आपसे कहें कि ये ड्राइंग हमें पढ़कर बताइए, इंटरव्यू में ऐसा भी होता है, तब आप नहीं बताते हैं तो आप इसी स्टेज पर फेल हो जाएंगे। तो ये चीज भी आना इम्पोर्टेंट है। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हैं। शटरिंग एरिया, अगर मान लीजिए एक स्लैब में आप शटरिंग कर रहे हैं तो उसका एरिया आपको निकालना आना चाहिए। बात करें तो ब्रिकवर्क, एक अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो अगर मल्टी है तो आप ऐसे अंदाज से नहीं बता सकते कि इसमें कितनी ब्रिक्स लगेगी, क्योंकि आपका जो वॉल है वो मैटर करेगी कि आपकी 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो जो भी आपकी है तो इसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। प्लास्टरिंग की क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। बीबीएस यानी कि बार वेंडिंग शेड्यूल, तो ये बार वेंडिंग जो है ये भी आपको पता होना चाहिए और आना चाहिए। तो ये कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको इसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो बुक में शायद ना मिले, जो कि प्रैक्टिकल होती है। थ्योरी तो आपको ऑलरेडी बुक में मिल जाएगी लेकिन जो एक साइट पर एक प्रोजेक्ट पर हमें काम करना होता उस पर शायद अवेलेबल ना हो। BOQ यानी बिल ऑफ क्वांटिटी। 8 नंबर पर बात करें मटेरियल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका। वर्क ऑर्डर और MS Excel, ये जो कुछ स्किल्स हैं मैंने सिर्फ यहाँ पर 10 स्किल्स बताया, ये स्किल्स आपको सीखना है तो आप एक प्लेटफॉर्म पर सीख सकते हैं, BIM India
में आप वहां पर जाकर ये अगर कहीं भी आप कोर्स करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, तो इस कोर्स का आप लगभग फिर भी 20,000 से 40,000 आपको देना पड़ेगा, तब आप इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन BIM इंडिया में ये बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, और सिर्फ आपको ये ₹500 में मिल रहा है रिपब्लिक डे के कारण, यानी गणतंत्रता दिवस जो अभी हमारा है इसके कारण, गणतंत्र दिवस के कारण आपको रिपब्लिक डे ऑफर है अभी, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ₹500 में आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजों की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको वो सारी चीजें भी आप समझ लीजिए, इसके बाद आप नीचे नंबर है इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप इंक्वायरी करें और कोर्स को परचेस करें। रिपब्लिक वीक सेल जो कि आपको 23 जनवरी से आपको 29 जनवरी तक मिलेगा। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये कोर्स अगर आप परचेस करते हैं तो क्वांटिटी सर्वे आपको सिर्फ और सिर्फ ₹500 में मिलेगा। अभी BIM इंडिया स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जहां पर ये कोर्स आप लेते हैं, तो आपको 84 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद आपको कंप्लीट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मिलेगा, ड्राइंग रीडिंग मिलेगी आपको, 13.25 आवर्स ड्यूरेशन का ये सारी चीजें मिलने वाली है, 2 ईयर्स का आपका वैलिडेशन रहेगा, यानी कि आपने एक बार परचेस कर लिए तो आपको 2 सालों तक आप इसमें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि 84 वीडियो देख पाना आपको इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने हिसाब से आपको जब भी टाइम मिलता है आप यहाँ पर 2 ईयर्स का वैलिडेशन रहेगा, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सेकंड ईयर में हैं, अगर स्टूडेंट है तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आप सीख सकते हैं, फोर्थ ईयर तक सीख सकते हैं अगर आप थर्ड ईयर में ले रहे हैं तो। 300 पेज का मैनुअल कैलकुलेशन नोट्स भी मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पे, और 700+ Excel फाइल, 70+ Excel फाइल रहेगी आपकी, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है हमारे MS Excel ट्रेनिंग फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए। जो एक्सेल की फाइल होगी, PDF, CAD ड्राइंग्स मिलेगी आपको, रेविट के मॉडल्स मिलेंगे, रेविट आर्किटेक्ट के। तो ये फ्रेशर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो मैंने चीज़ें बताया, आपको नंबर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर पर जाएँ या फिर आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें इसको, और ऐप जैसे आप डाउनलोड करते हैं यानी एप्लीकेशन, तो वहाँ पर आपको क्वांटिटी सर्वे के नेम से मिल जाएगा ये, ₹500 आप पे करेंगे तो आपको ये कोर्स आसानी से मिल जाएगा, परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा 23rd से 29 जनवरी तक ही आप इसको ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें।